डियर स्टूडेंट्स, आज का 10 टॉपिक सबसे पहले आपके बीच। दिन भर में जिस पहले एपिसोड का सबसे पहले हमें ध्यान आता है वो होता है आपका ये 10 टॉपिक्स, क्योंकि इस पे आप अपना पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इसका बेनिफिट भी आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आज के ये 10 टॉपिक्स कहने को तो 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन आज इसमें आपको 5 टॉपिक्स ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि कल का पीछे का आपके पास ड्यूज भी होगा, बड़े टॉपिक्स थे, तो आज 5 टॉपिक्स ही आपको दिए जा रहे हैं। लास्ट पूरा 1 मंथ आपको रिविजन के लिए मिलेगा, जिसमें आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा देना है, क्योंकि ये लास्ट टच जो होगा ये वर्थ पेइंग होगा। चलिए आज के ये 10 टॉपिक्स देखते हैं कौन से हैं, हालांकि ये 5 टॉपिक्स ही हैं। आज का देखिए पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है मुगल को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, तो अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां। क्रोनोलॉजी में जहांगीर और शाहजहां का आप देखेंगे, देखिए जहांगीर का शासन भी कई मायनों में थोड़ा विशिष्ट है। चित्रकला का इस वक्त बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ। जहांगीर के समय सिखों के साथ रिलेशनशिप जो है वो बड़े ही गड़बड़ रहे, तो कौन से गुरु के साथ किस तरह का रिलेशन रहा ये यहाँ पे आप समझेंगे। इनकी पत्नी, इनकी माँ का नाम क्या था, उसके बाद 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या था, सेना में जो 2 अस्पा और सिंह अस्पा का कंसेप्ट इसमें जोड़ा ये आप समझने का प्रयास करेंगे। ये सब जहांगीर में होगा। शाहजहां का फिर देखिए आर्किटेक्चर का ये गोल्डन पीरियड था, स्थापत्य का स्वर्ण काल था। अगेन यहाँ पर भी इसकी पत्नी का नाम, मुमताज़ महल का ओरिजिनल नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ये सब आप ध्यान रखेंगे। इस वक्त कुछ नए क्या क्या घटनाक्रम सामने आए इसमें आप ध्यान रख देंगे। तो ये 2, उसके बाद नेक्स्ट एक और हम लोग करेंगे मुगल सम्राट, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है महात्मा गांधी। मॉडर्न में महात्मा गांधी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडर्न इंडिया का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। महात्मा गांधी का के पूरे कैरेक्टर पे, पूरे उनके लाइफ स्पैन पे एक क्वेश्चन डेफिनेट है। साउथ अफ्रीका में कैसे गए, किस काम के लिए गए थे, कौन सी संस्थाएं उन्होंने बनाई, भारत कब लौट कर आए, भारत में उन्होंने पहला कौन सा आंदोलन किया, जो पहले 3 आंदोलन हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चंपारण के बाद उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद मिल के जो आंदोलन थे उसमें उन्होंने भाग लिया। उसके बाद तो बहुत सारी कहानियां हैं, घटनाक्रम है। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक महात्मा गांधी का शॉर्ट में दिया हुआ है, मात्र 1 से 1.5 पेज में, लुसेंट में, क्राउन में। लुसेंट में ये अच्छे से नहीं दिया हुआ है, जिन जो लुसेंट से पढ़ेंगे उन्हें निराशा होगी, चूँकि स्पेसिफिकली अलग से महात्मा गांधी पर नहीं है। जो घटनाक्रम राष्ट्रीय आंदोलन का चल रहा उसी के साथ महात्मा गांधी को इसमें जोड़ा गया, लेकिन क्राउन में सेपरेटली बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा और यूनिक में ठीक ठाक दिया हुआ है। तो ये सेपरेटली आप करें, और जो नहीं कर पाएंगे लुसेंट जैसे जिनके पास है तो वो नेट का हेल्प लें, महात्मा गांधी का, उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं ज्योग्राफी से एक टॉपिक, बंदरगाह, पोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बंदरगाह, जो भारत के पूरा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हमारा तटीय क्षेत्र है इसमें कौन कौन से कहाँ पे बंदरगाह है, तो इसे करेंगे, चाहे वो आप हुगली से लेकर शुरू करेंगे और इधर गुजरात में कांडला तक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछ देता है कि भाई पारादीप कहाँ है, तो ये तो आसान सा लग रहा है, पारादीप हम बहुत बार आ चुका है, लोग जानते हैं अधिकतर उड़ीसा में है, लेकिन और भी इसके नहावा शिवा किस लिए महत्वपूर्ण है, और कौन सा मोस्ट डेवलप्ड है पोर्ट है, सी पोर्ट, ये कौन सा है, कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे विशाल है, जापान से लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो ये सब डिटेल्स करेंगे। उसके बाद साइंस का एक टॉपिक हमने लिया है ध्वनि, साउंड, लाइट के बाद साउंड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको ये समझना है कि क्या इसमें किस तरह की ध्वनि है, इसमें जो वेव्स हैं ये किस तरह के, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उसके बाद इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक यानी प्रश्रव, अवश्रव, ये सब ध्वनियाँ, ध्वनि पर ताप, दाब, आर्द्रता का प्रभाव किस तरह से पड़ा, उसके बाद इको सुनने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए साउंड को इको, जो टकरा कर आप इको सुनते हैं बार बार, जो आवाज़ ध्वनि रिपीट होता है ये इको, मिनिमम कितने डिस्टेंस चाहिए उसके लिए, इको के रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये सब समझेंगे। साथ ही टेम्परेचर का, प्रेशर का, और ये जो इसका इफेक्ट है साउंड पे, एक क्वेश्चन आप अभी जवाब दें अगर आप जान रहे हैं कि जो आर्द्र वायु है यानी डैम्प एयर, और सूखी, जो सूखी शुष्क वायु है ड्रायर,
इन दोनों में से किस में ध्वनि का वेग अधिक होगा, ड्राई एयर में या शुष्क एयर में, यानी ड्राई एयर में, या डैम्प एयर में यानी आर्द्र हवा में, यानी जिसमें पानी मिला रहता है आर्द्र वायु, या जो सूखी है जिसमें पानी की मात्रा जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है, उसमें किस में ध्वनि का वेग, ड्राई एयर या डैम्प एयर में, अभी आप बताएं तुरंत अगर आप जान रहे हैं तो। दूसरी बात, चलिए लंबा नहीं करते हैं, याद रखें कि डैम्प एयर में साउंड का वेलोसिटी ऑफ साउंड अधिक होता है, तेज होता है, जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता जाएगा। ड्राई एयर में 332 मीटर पर सेकंड, डैम्प एयर में फिर बढ़ जाता है, उसके बाद पानी में लगभग 1450 1450 मीटर पर सेकंड की गति बढ़ गई, और लोहे में उससे भी ज़्यादा 5100 मीटर पर सेकंड, 5100 मीटर एक सेकंड में ध्वनि मूव करती है। तो ये सब आप समझने का प्रयास करें। और लास्ट में देखिए, यहाँ पर जो आखिरी है बिहार से रिलेटेड, वो है सिंचाई और सिंचाई परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नहर है, केनाल है, उसके बाद कुआं है, उसके बाद पंपिंग सेट है, ये किस तरह से हमारे यहाँ किस तरह से सिंचाई की जाती है। मेन इसमें नहर का, केनाल का हमें पढ़ना है, राजपुर नहर, त्रिवेणी नहर, तो ये सब आप अच्छे से करेंगे। तो आज के ये 10 टॉपिक्स, कहने को 10 लेकिन 5 ही टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आपका प्रेशर रिलीज होगा, 5 ही टॉपिक्स आप ही करने हैं। और कुछ घंटों के बाद जो सेट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सेट आपका इंतज़ार कर रहा है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।